हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम आर इंटरेस्ट चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे 2022 का एंट्रेंस देना चाहते हैं, चाहे वो बीएससी मैथ ग्रुप से हो, चाहे वो बीएससी बायोलॉजी ग्रुप से हो। जी हाँ, आप सबके सब चाहते हैं कि हमको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकल जाए और अच्छी यूनिवर्सिटी हमको मिल जाए जहाँ से हम अपना अच्छे से ग्रेजुएशन कर सकें, लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया। तो इस वीडियो से और इस कोर्स को ज्वाइन करने से आपको अच्छा जो है सिलेक्शन मिल सकता है। तो आप चीज़ को हम बता देते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म है एंट्रेंस फॉर्म, वो लगभग सेकेंड वीक ऑफ फेब मतलब फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, और एयू के जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर होता है एंट्रेंस पेपर, वो मार्च के एंड में आ जाता है, और जस्ट मार्च के बाद अप्रैल में लगभग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी लॉन्च कर देता है पेपर। ठीक है, तो आप अभी क्लास 12th अपेयरिंग में होंगे या अपेयरिंग हो चुका होगा या ड्रॉपर होंगे, तो आप सबके सब इनसे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आप सबको पता है कि एंट्रेंस बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लिमिटेड होती हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण सभी बच्चे एडमिशन नहीं पा पाते हैं। तो इसका लगभग 5% बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं, बाकी 95% एंट्रेंस से आउट हो जाते हैं। ठीक है, उनका मेन रीज़न क्या है वो हम अभी आपको बता देते हैं। जो बच्चे पहले से जागरूक हैं, लाइक अभी से जागरूक हो गए और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका आराम से जो है एंट्रेंस निकल जाएगा। जो बच्चे लास्ट में जब उन फॉर्म डालेंगे तब जो प्रिपरेशन करेंगे तो वो बॉर्डर पे पहुंचेंगे। बॉर्डर का मतलब क्या, या तो दो चार नंबर से कम हो जाएगा या तो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, हर एक चीज़ आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहले आप सभी को नहीं मालूम होगा हमारे बारे में, जो बच्चे नए जुड़े हैं, तो माय नेम इज पंकज सिंह, आई एम डूइंग एमएससी फिजिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ इन दिस टाइम, एंड आई एम आल्सो क्वालिफाइड आईआईटी जेम केमिस्ट्री इन 2019, गॉट एआईआर रैंक 533, एंड एट दैट टाइम आई एम आल्सो क्वालिफाइड बीएचयू जियो फिजिक्स एंट्रेंस। सो कुछ सिचुएशन ऐसी हुई थी जिसके कारण हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, क्वांटा बैच। जी हाँ, ये टोटल किस पे बेस होगा और ये क्या पैटर्न है, क्या इससे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अभी सबको हमें चीज़ मालूम है कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं मार्च और अप्रैल में, तो ऐसा अभी हम मटेरियल नहीं आपको प्रोवाइड करेंगे, ऐसा आपको मटेरियल अभी हम नहीं देंगे जिससे आपको बोर्ड के नंबर्स या बोर्ड के एग्ज़ाम में रुकावट पैदा हो। ठीक है, तो उसी को ले कर हम इसको जो है इजी वे बना रहे हैं कि जिससे तुम क्वालिफाई कर सको आने वाले समय में। आने वाले समय का मतलब क्या है, जुलाई अगस्त में जो एंट्रेंस होंगे उनको आसानी से आप क्वालिफाई कर सकें और अच्छे से आप मार्क्स मिल सकें। अब अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं इस बैच को ज्वाइन करने से, आपको हम बता देते हैं कैसे क्या। ठीक है, तो क्वांटा बैच, बैच का नाम याद रखना, जो भी वीडियो होगा उसके ऊपर लोगो लगा होगा क्वांटा बैच का, और उसको आपको पढ़ना है, एज नोट्स बनाना है, उसी से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आएंगे। ठीक है, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ लखनऊ में, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ा चुका हूँ और अपना खुद का नोट्स में बनाया हूँ एंट्रेंस क्वालिफाई एंट्रेंस के लेवल का। ठीक है, तो वो सब आपको मार्च के बाद मिलेगा, उसके पहले आपको जो मिलेगा वो सब। लास्ट ईयर वाली जो बैच हमारी थी ऑफलाइन क्लासेस की, उसमें बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस दिए थे, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। हमें मालूम है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपको जो है वीडियोस भी जल्दी जल्दी इंटरव्यू उनसे भी करवा देंगे जिससे आपको पता चले। ठीक है, जो बच्चे दे के आए थे तो हमको मालूम है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लास्ट ईयर लगभग 100% सिलेक्शन हमारे हुए थे खुद के। ठीक है, तो इससे अभी आप मत घबराएं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, लेवल क्या आएगा, वो सब डे बाय डे आपको मिलता रहेगा। अगर अभी हम आपको बताएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले सिलेबस को समझना बहुत अनिवार्य है, कैसे क्या होगा। तो हमने बताया कि यूपी बोर्ड जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका तो हमको पूरा कोर्स पढ़ना है, बाकी जो ये टर्म फर्स्ट और टर्म टू है, टर्म फर्स्ट वाला इनका हो चुका है और टर्म टू, और इनका भी टर्म टू होने वाला है। तो 10+2 जितने भी एंट्रेंस लेवल होते हैं, चाहे वो जिस यूनिवर्सिटी का हो, उनमें 10+2 का मतलब क्या होता है, 11th और 12th से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर टर्म फर्स्ट आपका हो गया तो टर्म फर्स्ट से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, टर्म फर्स्ट से भी क्वेश्चन आएगा, कक्षा 11 क्लास 11th से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सिलेबस समझा देते हैं और कहाँ से कैसे क्या पढ़ाई करनी है वो सारी चीज़ें हम बताते हैं, क्वांटा बैच में क्या आपको करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो वीडियोस हैं वो हम देंगे। तो पहले हम फिजिक्स का पोर्शन आपको बता देते हैं क्या क्या करना है। तो फिजिक्स जो है हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे अभी, उसके बाद में हम बाकी लेक्चर देंगे। अभी पहले हम क्लियर करेंगे ऑप्टिक्स, और सेकेंड है मॉडर्न फिजिक्स, समझ लेना बात को, और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो टर्म टू में है। टर्म टू वाला सिलेबस हम पूरा भी ख़त्म कर रहे हैं, जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के अंदर हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, और जो मॉडर्न फिजिक्स है इसको भी हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं,
मॉडर्न फिजिक्स जो है उसमें पहला हमारा रहता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसके अंदर हम एंड मैटर, जिसके अंदर हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, दो पार्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, वहीं से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम हर एक एंट्रेंस में, ठीक है। जो अगला पार्ट अपना है, अगला पार्ट अपना जो है उसको हम बोलते हैं, ये तो मॉडर्न फिजिक्स का हो गया, और जो सेकेंड अगला पार्ट है, अगला पार्ट हम क्या बोलेंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स में हम पूरा पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, कैसे बना। न्यूक्लियाई के अंदर हम पढ़ेंगे कि आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियाई के अंदर हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इसी में हम दो पार्ट पढ़ेंगे, एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, और जो बी पार्ट हमारा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सारे डायोड्स पढ़ेंगे, ठीक है, कौन से डायोड्स होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो सारी पढ़ेंगे। तो इतना अपना फिजिक्स का पोर्शन हम पहले कवर कराएंगे, ये जस्ट दो महीने में हम आपको क्लियर करा देंगे, उसके बाद में जो पोर्शन बचेगा टर्म फर्स्ट और क्लास इलेवेंथ का वो हम बाद में पढ़ाएंगे। याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि कोई भी एंट्रेंस MCQ पढ़ने से नहीं निकलता है, और बहुत ज़्यादा नॉलेज होने पर भी नहीं निकलता है। अगर आपको सही गाइडेंस और डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है तो आपका दिक्कत होगा। कंसेप्ट क्लियर करिए, डायरेक्शन अपना लीजिए सही, आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा। तो इतनी चीज़ हम काहे में पढ़ेंगे, इतनी चीज़ हम पढ़ेंगे अपना फिजिक्स में, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, और केमिस्ट्री में क्या हम पढ़ेंगे, कितने लेसन पढ़ेंगे इसको भी आप समझ लीजिएगा। हाँ, तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में टोटल लेसन हम पढ़ेंगे आठ। कितने? आठ लेसन पढ़ेंगे, चार इनऑर्गेनिक के पढ़ेंगे और चार हम लेसन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लेसन जो हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम रासायनिक बलगतिकी बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री को पर्श रसायन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां से क्वेश्चन 100% दो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, दो तीन लखनऊ यूनिवर्सिटी में हर साल पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसको हम मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, डीएफ ब्लॉक कवर करेंगे हम, क्योंकि पी ब्लॉक हम टर्म फर्स्ट में पढ़ रखे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम टाइम आपका लॉस करने वाले नहीं हैं, बट यहाँ से अगर नोट्स बना लेंगे तो आगे आपको फायदा होगा। तो ये हो गया डी ब्लॉक। अब हम चार लेसन किसके पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ेंगे, वो हम इधर लिख रहे हैं, ये तो हमारा इनऑर्गेनिक पोर्शन हो गया अकार्बनिक रसायन का, और चार लेसन हमारा किसका रहेगा, ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक हैलोल्किन, हैलोरिन, अल्कोहल, फिनाइल ईथर, दो चैप्टर हमारे टर्म फर्स्ट में खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो अगला अपना चैप्टर रहेगा वो है एमाइंस। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा उसको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, या हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और जो फोर्थ हमारा चैप्टर है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो जितना हमने सिलेबस बताया है पूरा टर्म टू का है, सबको आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है, उसके बाद में हम जितने भी BHU के क्वेश्चन, हमारे पास लगभग 10-12 साल का मटेरियल है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है वो सब हमने पुटअप किया है। एक टॉपिक सपोज दैट अगर हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको हम समझाएं, उसके बाद आपको हम 10-12 क्वेश्चन करवाएंगे, वो अगर जो बच्चा अभी कर लेगा मेहनत और ईमानदारी के साथ, उसको आगे परिणाम उसका जरूर मिलेगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम को हम इसको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। बट आप जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सब समझने का प्रयास करें, क्योंकि आगे जितनी भी पढ़ाई करनी है वो सब इंग्लिश मीडियम ही करना है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है हिंदी मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम का भी, सेम चाहे आपका जो बोर्ड हो, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ अगर मेहनत आप किए तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपका जो सपना है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का वो आप जा सकते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे हम दो तीन बैच जो है लॉन्च करेंगे, एक आपका क्या होगा क्वांटा, ठीक है। क्वांटा बैच जो होगा वो UG BSc एंट्रेंस, BSc बायोलॉजी एंट्रेंस, BSc बायोलॉजी एंट्रेंस वाले जो बच्चे हैं वो अपना केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अपना मैथ और फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, खाली केमिस्ट्री का नोट्स बना लेंगे। बाद में अगर हमको कोई टीम हायर कर, कोई जो है मिलता है तो उससे हम आपको पढ़वा देंगे, बाकी अपना अभी से प्रिपरेशन रखो। जो PCM के बच्चे हैं
वो हमारी बातों पे ध्यान दें और जो चीज़ हम बताए हैं उसको कवरअप करके चलें। ये जितने भी लेसन बताए हैं ये आप चाहे जिस बोर्ड से हों आपको पढ़ना ही है, आप यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे भी, ठीक है। उसके बाद में हम सारे आंसर आपके करा देंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बोर्ड एग्जाम में, राइट, ठीक है। सो गाइस इतना ही था, अगर कोई अभी भी आपके पास डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करें, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और हमको टेलीग्राम चैनल से भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।